गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ कि कुमारी में विवाह क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बिन माँ की बेटी का हुआ विवाह, चौके छक्कों के बीच नाचे बाराती। दमोह जिले के पटेला ब्लॉक के कुमारी गांव में गुरुवार को अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां दो टीमों के बीच मैच खेला गया और चौके छक्कों के बीच बारिश हुई। तो वहीं एक बिन माँ की बेटी का विवाह पूरी रीति रिवाज से संपन्न कराया गया और इस टूर्नामेंट को विवाह कप का नाम दिया गया। बाराती भी क्रिकेट मैच के दौरान जमकर नाचे। बकायदा बारात स्टेडियम पहुंची, जहां स्वागत सत्कार के साथ विवाह संपन्न हुआ। जिसने भी सराहनीय कार्य के बारे में सुना तो वह इन युवाओं की तारीफ की और नगद राशि देकर अपना सहयोग भी प्रदान किया। बिन माँ की बेटी का यहां पर कराया गया विवाह। इस मैच को आयोजित करने वाले रवि चौहान और उनके 11 साथियों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम विवाह कप रखा और फाइनल मैच के दौरान ही कुमारी निवासी बिन माँ की बेटी रानू पिता सन्नू आदिवासी का खमखेरा गांव निवासी भूरे पिता हुकुम आदिवासी के साथ विवाह संपन्न कराया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ और बारात में आए 40 बरातियों का भव्य स्वागत भी किया गया। स्टेडियम में बराती जमकर नाचे और पूरा गांव इस विवाह का साक्षी बना। रवि चौहान के द्वारा ही रानू का विवाह भूरे से तय किया गया था और 18 जनवरी को इस ऐतिहासिक विवाह को संपन्न कराया गया। इस अनोखे विवाह में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। दोनों पक्ष के गणमान्य लोगों का रवि चौहान टीम के द्वारा स्वागत किया गया। बारे एवं मधु पक्ष को विवाह कप टूर्नामेंट के दौरान रवि चौहान की टीम एवं सहयोगियों के द्वारा LCD पंखा, गोदरेज, डबल बेड, पलंग पेटी, सोफा सेट, गोदरेज एवं घरेलू सामग्री प्रदान की गई और विदा किया गया। इस अनोखे विवाह में बड़ी संख्या में गाँव के लोग शामिल हुए और अपना फर्ज निभाया। वधु की माँ नहीं है तो बल्कि पिता नहीं है, इस ऐतिहासिक कार्य की सराहना पूरा गाँव कर रहा है। फाइनल मुकाबला पटेरिया 11 और तुम्हारे सिलोसी 11 के बीच 1 बजे से शुरू हो जाएगा और फर्स्ट इनिंग के बाद इसमें जो हमारा विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, एक इनिंग के बाद यहां से जयमाला कार्यक्रम होगा, उसके तत्पश्चात सामान अपन दहेज का सामान देंगे, उसके बाद सेकंड इनिंग चालू होगी और फिर बच्चा बच्ची अपने घर जाके उनके मंडप से विवाह सम्पन्न कराया जाएगा और इसमें हमारे गांव एवं क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि और सभी क्षेत्रवासियों का एवं जिला के सभी नागरिकों का बहुत बहुत योगदान है। अच्छा जी, क्या कहें, कुम्हारी में एक भव्य विवाह तक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जिसमें रवि ठाकुर के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अच्छा आयोजन उसमें करने का प्रयास किया है। आप सभी को विदित है कि उस कप में फाइनल मैच में एक गरीब कन्या का विवाह हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ। एक नया उदाहरण ये देश के लिए है कि जिसमें ऐसे आयोजनों में भी आपने कभी सुना नहीं होगा कि क्रिकेट के फाइनल के टूर्नामेंट में किसी बच्ची की विवाह हुआ हो। और ये हम लोगों का निश्चय है कि आने वाले समय में इसको सम्मेलन का रूप दिया जाएगा और इसका कप का नाम विवाह कप के रूप में रखा गया है, जिसमें क्रिकेट के टूर्नामेंट भी होंगे और साथ में विवाह भी होंगे।